नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब वही चुनौती झारखंड में भी पार्टी के सामने बनी हुई है। संगठन कमजोर है और सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर कांग्रेस समय रहते खुद को नहीं संभालती है तो यहां भी सत्ता से उसको हाथ धोने का खतरा बना हुआ है। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर लंबे वक्त से नदारद हैं और चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन टिकट के दावेदारों की स्क्रीनिंग अब तक नहीं हुई है और मीर कश्मीर के विधायक भी हैं और झारखंड की राजनीति में उनकी सक्रियता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। आपको बताएं, दूसरी ओर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा भी फंसा हुआ है और कांग्रेस इस बार रांची और आसपास की सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि जेजेएम इन सीटों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही। दरअसल अगस्त 2024 में कांग्रेस ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केशव महतो कमलेश को चुना है, लेकिन उन्हें अब तक अपनी नई टीम में नहीं मिल पाई। मजबूरन उन्हें पुरानी निष्क्रिय टीम से ही काम चलाना पड़ रहा है और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच झारखंड कांग्रेस से कमजोर होती हुई नजर आ रही। उधर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीतियों को पूरी तरह से दुरुस्त कर चुकी है और उनके प्रभारी लगातार झारखंड का दौरा भी कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस और जेजेएम के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही है और हाल ही में हेमंत सोरेन ने दिल्ली के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 2019 पार्टी को 29 सीटें ही मिली, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन 16 सीटों पर सीमित रहा। अगर इस बार भी कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करती है तो जेजेएम के लिए सत्ता में वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती नजर आ रही। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने हैं और मुख्य मुकाबला जेजेएम कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन के बीच ही होगा। सरकार बनने के लिए 42 विधायकों की जरूरत है और कांग्रेस के कमजोर संगठन के कारण गठबंधन की जीत के ऊपर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस समय रहते इन चुनौतियों को हल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि कांग्रेस समय रहते इन चुनौतियों को हल कर पाएगी या फिर हरियाणा की ही तरह झारखंड में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज्यादा अपडेट के साथ। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।